Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, face Anwin. You are watching Sun Non-Stop. Guys, can I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडिया फर्स्ट लग्जेरियस हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन जर्नी, बहुत ही मजेदार किस्म की आज की वीडियो होने जा रही है. तुम लोगों ने मिस नहीं करना और कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लोगों ने ये बताना है कि इस ट्रेन के अंदर तुम लोग सफर कर चुके हो. ये इंडिया की सबसे जो है ना फर्स्ट क्लास लग्जरी हेरिटेज ट्रेन है, बट इसके अंदर वो आपको बहुत एक रॉयल जैसी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा माहौल होता है. तो बाकी सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता करते हैं, देखते हैं कैसी होने जा रही है. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें. बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं. ये है इस ट्रेन का लग्जरी डाइनिंग कार. बाकी इसको ये देखो, तीन तरह की लाइट्स हैं इसमें. ये है भाई इस ट्रेन का सेल्फी पॉइंट. छोटी छोटी चीजों का अंदर जो डिजाइन है ना, पूरा वुडन का मतलब टच दिया हुआ. ये आ गया भाई अपना हैवी ब्रेकफास्ट. सूरज देवता जी का क्या खूबसूरत पानी में, इसमें भी पुश पुल टेक्नोलॉजी लगती है. हां जी, किवें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. सो अभी मैं हूँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे और आज की जर्नी होने वाली हमारी ट्रेन नंबर 09409 स्टीम हेरिटेज स्पेशल एक्सप्रेस में. और भाई प्यारी है यार, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आज मैं इसमें सेकंड टाइम जर्नी करूंगा. वैसे मैंने एक बार इनोग्रल जर्नी की थी, तब तो बहुत ही मजा आया था. आज देखते हैं कैसी मेंटेनेंस है, काफी समय हो गया उस चीज को, और फूड सर्विसेज कैसी रहती, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा. तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत. सामने देख लो भाई, तेजस एक्सप्रेस अपनी वन एंड ओनली प्राइवेट तेजस मुंबई के लिए, और टू वे भी गाड़ी आएगी. बाकी अपने प्रवीण भाई साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, थोड़ा सुस्त है, नींद में है. कैसे है भाई, ठीक ठाक है? तो भाई फाइनली जाकर देख लो भाई, अभी जाके सिग्नल हुआ, गाड़ी वहीं पर ही खड़ी थी बहुत देर से. अब आएगी गाड़ी, फिर अपना कोच है ई वन, यहीं पर ही लगेगा अपना. चलो जी, ऑल राइट. वाओ वाओ, अरे 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 अरे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसको दबाएंगे ये खुल जाएगा. अच्छा अच्छा, मॉल तो काफी यार बच्चे ऊपर बेटा तगड़ा है. कितनी प्यारी सीट है ना अपना, ये 12, 13, 9 सारी विंडो दे दी. अब यहाँ बैठते हैं, यहाँ दोनों बैठते हैं इधर वाले पे. बैठ चुके हैं अपनी सीट पे, वैसे अभी बाहर अंधेरा है तो वैसे थोड़ा सा इंटीरियर दिखाया था, लेकिन जब रोशनी हो जाएगी फिर अच्छे से मजा आएगा. लाइटिंग देख लो भाई, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है. 2x2 का कॉन्फिगरेशन है और लेग स्पेस काफी स्पेशियस है. इधर से आप करेंगे तो ये सीट यहाँ से देख लो भाई, अच्छे से रिक्लाइन हो जाती है भाई, करके दिखा रिक्लाइन. कैसा लगा फर्स्ट इम्प्रेशन? अच्छा है भाई, है कंफर्टेबल. पहली ट्रेन अच्छी लगी है. अच्छा, पहली ट्रेन अच्छी लगी है इसको, पहली ट्रेवल नहीं किया ना ऐसी कोई ट्रेन में तुमने? इन्होंने ना डिजाइन भी ऐसे किया, इसमें स्टीम भी निकलती है, मतलब ऐसा कुछ इन्होंने बनाया. ओल्ड डिजाइन, अभी स्टीम निकल नहीं रही है, बट ठीक है, अगर होगा तो वडोदरा में आपको दिखाएंगे आगे सर से रिक्वेस्ट करके. तो चलिए आपको एक बार एंड पे लेकर चलते हैं. पीछे क्यों लेकर आया हूँ, रीजन मैं आपको बताता हूँ. एक तो इसका जो सबसे खास है वो है इसका डाइनिंग कार, वो मैं आपको जैसे ट्रेन निकलेगी तब इंटीरियर दिखाऊंगा. एंड सेकंड थिंग देख लो भाई, इसमें भी पुश पुल टेक्नोलॉजी लगती है. एक इंजन पिछली वाली साइड है और एक इंजन आपको आगे वाली साइड देखने को मिलेगा. दोनों का जो सिमिलर स्ट्रक्चर है, सब कुछ ही सिमिलर है भाई. तीन कोच की ट्रेन है, तीनों ही लग्जरी कार है और एक डाइनिंग कार है इसमें. भाई डिपार्चर दिखाते हैं आपको. ये सही लगा यार, इसका प्रॉपर वे में अच्छा वॉकिंग है, टच है. लीजिए भाई, बिल्कुल ऑन टाइम 6:10 पे हमारी गाड़ी निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2A से. ये 2A से जाती है अहमदाबाद के. लीजिए हो जाओ तैयार एक और धमाकेदार जर्नी. मतलब इस ट्रेन की जर्नी के लिए मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, सोचा क्यों ना भाई आज ही कवर करते हैं. हालांकि अपने राजा भाई जो श्लोक वो नहीं आ पाया, पता नहीं उसने फोन नहीं उठाया. ऑलरेडी उसे बोला था कि भाई 6 ट्रेन निकलेगी सुबह, तो अभी सो ही रहा है. कोई बात नहीं, एक टिकट वेस्ट होगी अपनी. चलो कोई बात नहीं, अब एबसेंट ही गिना जाएगा, उसको कोई पैसा भी रिफंड नहीं मिलता. अब यहाँ से निकले और सामने खड़ी है अपनी IRCTC तेजस एक्सप्रेस, जो हमें ओवरटेक करके जाएगी. जी तेजस मिसाइल भी है, तेजस फाइटर जेट भी है, तेजस ट्रेन भी है इंडिया के अंदर, फिर मजा आएगा. ट्रेन निकल चुकी है, बात कर लेते ट्रेन की टाइमिंग की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है. ट्रेन नंबर 09409 ये वीक में सिर्फ 2 चलती है, सैटरडे और संडे को सुबह 6:10 पे. बिल्कुल टाइम पे याद रखना, और लगभग 9:50 पे आप पहुंच जाएंगे एकता नगर यानी कि केवड़िया, और 3 घंटे अहमदाबाद और 1 किलोमीटर कवर करेंगे. इसकी जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है जितना मुझे पता वो है 75 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा तेज नहीं चलती इसलिए ज्यादा टाइम लेती है.
दूसरी ट्रेन है अपनी जन शताब्दी भी चलती है, वो इससे फास्ट है क्योंकि भाई लग्जरी डाइनिंग कार भी है इसमें। और इसमें एक और खास चीज़ है वो आपको थ्रू आउट द जर्नी बताऊंगा, आप देखते रहो पूरी वीडियो। बाकी अभी का देख लो, फिलहाल ये हाल है, कोच अपना ये है और कोच तो हम मेंटेन, ये नीट एंड क्लीन लग रहा है। और ये देखो भाई चलता है कि नहीं चलता, ये देखो हाँ भाई ये भी सही है, थोड़ा ये क्लीन होता तो और मज़ा आता। बाकी इसको ये देखो, तीन तरह की लाइट्स हैं इसमें, बंद हो जा, ये देखो वाह ये हो गया बंद। जैसे मैंने आपको बताया था इसकी जो मैक्सिमम परमिसेबल है ना वो 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब इससे ज़्यादा तेज़ इसकी स्पीड नहीं है। हेरिटेज है तो लोग फन करते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, फ़ोटोज़ कहाँ खिंचवाते हैं वो पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा भाई, आपको और कोई ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा बड़ी आराम से चल रही है। सो बाहर भाई बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है यार, चिल्ड चिल्ड लग रहा है पूरा, क्योंकि आपको पता सर्दियां आ रही हैं तो ठंडा तो होना ही है। अभी गाड़ी आने वाली है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, उसके क्रॉसिंग दिखाएंगे आपको। बल्कि हमारे एरिया में अभी इतनी ठंड नहीं महसूस हो रही बाहर, लेकिन यहाँ पर ठंड महसूस हो रही है काफ़ी। ये देखो हॉर्न देखो इसका, क्योंकि वो कंट्री साइड एरिया है ना, इसलिए खेतों वगैरह के अंदर ना इसे ठंड ज़्यादा। मिस हो गया स्टार्टिंग में यार, नादिया जंक्शन को स्किप करते हुए। आजकल गाड़ी ये वाली ज़्यादा पैक नहीं चलती है, बट आज थोड़ी सी पैक है, लेकिन ये वाला कोच थोड़ा सा खाली है। अब आपको इंटीरियर अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, देखो 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, स्पेशियस काफ़ी अच्छा है, ये रोटेट नहीं होती लेकिन रिक्लाइन अच्छे से हो जाती है, ठीक है। लाइट्स देखो ऊपर, ये देखो मैंने थोड़ी लाइट डिम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और साथ में लगेज स्पेस आप ऊपर रख सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर, देख लो छोटी छोटी चीज़ होगा अंदर, जो डिज़ाइन है ना पूरा वुडन का, मतलब टच दिया हुआ। लाइट्स देखो कितनी अच्छी है। और इधर देखो ये है विंडो ब्लाइंड, पाकिस्तान में नहीं ऐसी ट्रेन, ये अटक जाता है और ये बंद हो जाएगा, ये देखो जहाँ आप रोकोगे भाई आराम से बंद हो जाएगा, और इसको टैप करोगे तो फिर ये ऊपर भी चला जाएगा। कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑटोमेटिक डोर्स है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी, कोच नंबर यहाँ पर भी मेंशन है, छोटी छोटी स्क्रीन देखो जो अपने पहले चलते थे स्टीम इंजन्स उनका, यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से लगाया हुआ है। तो देख लो भाई सनराइज़ हो चुका है अच्छे से अब थोड़ा, और सामने आपको व्यू देखो यार, मॉर्निंग की शुरुआत ऐसी और क्या चाहिए, देखो हाँ मज़ा आ गया। ओ देखो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वाह। गाइस तो अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन की जो सबसे मेन चीज़ है, वैसे मैंने आपको डाइनिंग कार अभी दिखाना है वो भी बहुत मेन है, लेकिन ये है भाई इस ट्रेन का सेल्फी पॉइंट, और आपको अच्छे से एक बार दिखाते हैं प्रवीण भाई, एक बार फोन पकड़ना। तो यहाँ पर देख लो भाई ये पूरा सेल्फी एरिया है, मतलब मैं देख रहा था काफी बच्चे यहाँ पर बैठे बड़ी देर से, मैं तो वक्त देख रहा था जब खाली मिले, आहा आराम से यहाँ पर बैठो, आराम से सोफे पे, ऊपर एसी लगा, बड़ी प्यारी जगह यार। और ये देख लो ये रूफ टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, थोड़ा ही गंदा है लेकिन अभी ट्रेन रुकी हुई है अपना आनंद जंक्शन आने वाला, उससे पहले रुकी हुई, आपको दिखाता हूँ क्लोज आओ। ये पेंटो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये देख लो ये पेंटो दिख रहा है, ये है इंजन का पेंटो, ये वाला छोड़ो ऊपर वाला मिरर गंदा है, लेकिन यार क्या लग रहा है लोग, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत अच्छा है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं ना तो ये एरिया में आना, इंजन के बिल्कुल ठीक इधर भी है और एक आपको सेम एरिया मिलेगा रेस्टोरेंट के दूसरी साइड पे। सो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं माही रिवर, भाई व्यू चेक करो सूरज देवता जी का, क्या खूबसूरत पानी में माही रिवर, भाई अपनी गाड़ी को अभी रोक दिया है रनौली करके रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको बता दिया था IRCTC तेजस एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके जाएगी, सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है इसका ग्रीन देख लो इस लाइन पे, तो यहाँ से तावड़ थोड़ा भी निकलेगी, उम्मीद है कोई अच्छी रफ्तार हमें 120, 130 या मे बी 110 देखने को मिले। वो देखो आपको गाड़ी आती दिख रही है,
भाई क्या आ रही है तेज रफ्तार में। वाह इतनी तेज है इसकी स्पीड, डर नहीं लग रहा इसका भाई। ये 130 गई है गाड़ी, फाइनली आ चुके हैं भाई इस ट्रेन के डाइनिंग कार में, मूविंग ऑन व्हील्स जो भाई चलता फिरता रेस्टोरेंट। तो भाई से फर्स्ट इंप्रेशन पूछते हैं, कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा है, लग्जरी है। और भारत गौरव का मेरा वीडियो तूने देखा है? नहीं देखा होगा, वो कर रहा है, देखा है क्या था वो? इसको भाई ये कैमरा अच्छा आया तो इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कोई नहीं, खाना पीना अपना ऑर्डर करते हैं, मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ और एक बार अच्छे से इंटीरियर भी दिखा देते हैं। ये है इस ट्रेन का लग्जरी डाइनिंग कार और यहाँ पर देख लो क्या ज़बरदस्त। आपको मैंने भारत गौरव में ट्रैवल करवाया था तो वो बिल्कुल यूनिक था, लेकिन ये भी भाई टक्कर में है। अगर नॉर्मल पब्लिक किसी को भी ट्रैवल करना है, इस ट्रेन में टिकट बुक करो और इसका ये डाइनिंग कार में आप मज़े ले सकते हो। मूविंग यार, मूविंग व्हील्स पे आपको ऐसा लग्जरी का एक्सपीरियंस मिलेगा। और देख लो सेम टू सेम जैसे वहाँ पर कर्टन ब्लाइंड्स हो जाते हैं वैसे यहाँ पर भी हो जाते हैं, लाइट्स लगी हुई है काफ़ी अच्छी। आपको मैं जब अंधेरा था ना यार, बहुत प्यारा अंदर नजर आ जाएगा, तो आप वो व्यू चेक कर सकते हैं। देख लो भाई ये इस ट्रेन का अलग मेन्यू रहता है बिल्कुल। इसमें यहाँ पर देख लो इन्होंने कॉम्बोज बनाए हुए हैं, बेसिकली पोहा उपमा और ब्रेड बटर 140 रुपीज़, फिर थेपला सब्जी ब्रेड बटर लेंगे तो भी 140, आलू परांठा ब्रेड बटर, तो ये अलग अलग कॉम्बोज बनाए हुए हैं। चाय 30, कॉफ़ी 30, जूस पैक्ड आइटम्स भी यहाँ पर डिस्प्ले हैं, जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है अपने कैटरिंग मैनेजर। तो सर आपका नेम क्या है? विवेक कुमार सर। अच्छा, तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे ये मेन्यू अपना दिन का है जाते हुए का, आते हुए जो टाइमिंग रहता है रात में, तो रात में भी कुछ रहता है खाने पीने को? सर आते टाइम भी रहता है। क्या चीज़ रहता है? दाल मखनी रहता है और पनीर रहता है। अच्छा पनीर और ये सब कुछ रहता है? अच्छा रेडी टू ईट वाला रहता है। अच्छा ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे, एक्चुअली इसमें ज़्यादा लोग नहीं। अच्छा यार आराम से खाओ। बहुत कम पैसेंजर है, रीज़न मैं बताता हूँ, शायद जो मेरे को फील होता है इसका किराया थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेरे को ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि देखो भाई अच्छा इसका फेयर बताया तो लगभग 900 रुपये एक जने का पे करना पड़ता है, इसमें कैटरिंग इंक्लूड नहीं है, खाने पीने का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, चार्जेबल है वो, चार्जेबल है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इसमें कैटरिंग इंक्लूड हो जाए ना इसी फेयर में तो बेनिफिट हो जाएगा ना, फिर मैनेज हो जाएगा, काफ़ी लोग ट्रैवल कर लेंगे, क्योंकि यार ये लोग भी ट्रैवल करते हैं, मैनेज करते हैं, इनका भी खर्चा होता है, आपका खर्चा भी मेरे ख्याल से पता नहीं निकलता है निकलता है ना, क्योंकि आज ही ज़्यादा रश है, वैसे तो रश नहीं होता ना इसे, खाली ट्रेन जाता है। हाँ खर्चे कभी वीकेंड्स में कभी कभी मिल जाता है जब छुट्टियाँ ज़्यादा हो ना। चलो कोई नहीं, आप ऐसा करते हैं एक बार सब कुछ ऑर्डर करते हैं, भैया को बोल दिया है, एक बार सब कुछ टेस्ट करके बता देंगे कैसा है, बाकी चाय कॉफ़ी भाई से पूछते हैं। तो जी यहाँ पर आ चुकी है सबसे पहले अपनी एक कॉफ़ी और एक चाय। प्रेजेंटेशन देख लो भाई, जैसे आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल के उसके एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल करते हैं ना, वही ट्रे में दिया हुआ इन्होंने, साथ में माई फेवरेट बिस्किट यूनिबिक का। चलिए कॉफ़ी तो भाई की अपनी, प्रवीण भाई की चाय अपनी है। सबसे पहले अपने नाश्ता आ रहा है उससे पहले चाय आ चुकी है, चाय का टेस्ट देखते हैं। लेकिन हमारे माई फेवरेट बिस्किट यूनिबिक का ट्राई करके देखी कैसी है? बढ़िया है भाई, देखो ये एक्सपीरियंस है, मैं तो कहूँगा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पर आओ, चाय कॉफ़ी इंजॉय करो, खाने पीने का भी टेस्ट बताएंगे कैसा है। वाह भाई यहाँ पर बनाई लग रही है, यहीं पे बनाई है ना चाय? वाह फ्रेश टेस्ट, तभी पता लग रहा है जैसे आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं ना राजधानी के या प्रीमियम ट्रेन के। भाई कलर ही देख लो आप, मज़ा आ गया, लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे भी यही कलर बचा के रखते हैं। भाई यहाँ पर अपना आ चुका है ब्रेकफास्ट, एप्पल भी है, ऑर्डर अपना और रह गया, तो तीन थाली मंगवाई है और आपको अच्छे से दिखाएंगे, टेस्ट भी बताएंगे ना। ये आ गया भाई अपना हैवी ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया जितना भी मेन्यू में था, चाय कॉफ़ी का टेस्ट ऑलरेडी आपको बता दिया है, अब देखते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं और टेस्ट बताते हैं। भाई खाना तो बिल्कुल गर्म है यार, सब कुछ गर्म है। तो यहाँ पर हमें आउटर पे रोक दिया है और ये अपना एक और ओवरटेक पड़ गया क्योंकि हम बिफोर चल रहे हैं वैसे, तो ये गाड़ी कौन सी है? अच्छा मुंबई अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस, मैं ऑलरेडी इसमें ट्रैवल कर चुका हूँ। चलिए भाई सबसे पहले टेस्ट करते हैं अपना पोहा और उपमा, यहाँ पर एक्चुअली सब लोग बैठे हैं तो थोड़ा शोर ज़्यादा है, तो सबसे पहले देखते हैं उपमा कैसा है। भाई बिल्कुल गर्मा गर्म था, ये देखो भाप, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही आपको, ये देखो इतना गर्म खा रहे हैं इसका मुँह नहीं चल रहा। वाओ अच्छा है, थोड़ा स्वीट है ये, मतलब थोड़ा गुजरात में लोग थोड़ा स्वीट टच खाते हैं, टेस्ट में काफ़ी बढ़िया है। पोहा देख लेते हैं,
भाई मेरे मतलब का बिल्कुल, मुझे तीखा पसंद नहीं है, बिल्कुल तीखा नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी एज का बंदा खा सकता है इसको आराम से। बाकी ब्रेड बटर का तो क्या ही रिव्यू दूँ, कटलेट होता ना और मज़ा आता है, पता नहीं ब्रेड है ये और साथ में बटर दिए और फ्रूट्स भी दिए हुए हैं, फ्रूट्स नहीं अभी खाएंगे और लगे हाथ ऐसा करते हैं इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। आपको पता भाई गुजरात में आ रहे हैं तो भाई थेपला तो बनता है, और ये देखो हम तो इसको पराठा ही बोलते हैं, घी में देते हैं कुछ और होता है, थोड़ा सा तीखा हो सकता है, इसको टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया लेकिन तीखा बहुत है, बहुत तीखा है, मजा आ गया। तो भाई यहाँ पर गाड़ी पहुंची वडोदरा में, ये देख लो ये इसका एरिया हो गया, एक बार वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ है भाई इस ट्रेन के वॉशरूम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, सोप रखा हो, पानी आ रहा है, थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मैं वडोदरा ही उतर रहा हूँ, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है यहाँ देखो पानी हो गया, खाना पीना कर लिया अपने, लेट्स गो यहीं से उतरता हूँ, परवीन लगेज ले आएगा। और ये डाइनिंग एरिया में ना आपको यहाँ पर मिरर और हैंड वॉश के लिए भी जगह मिल जाएगी। चलो वो भी मैंने सोचा एक बार डिपार्चर आपको दिखा देते हैं, सिग्नल वैसे अभी हुआ नहीं है तो निकलने वाली है गाड़ी कुछ ही देर में। वैसे 8:23 का डिपार्चर है इसका, यहाँ पे 5 मिनट के करीब रुकती है, ऐसा करते एक थंबनेल ले लेते हैं फटाफट। चलिए यार इंडिया के अंदर बहुत अच्छी ये रहा अपना ब्यूटीफुल सा कोच, सीट हमने एंड टू एंड कराई थी, आपको टिकट भी अभी दिखाता हूँ मैं, लेकिन हमने सोचा आगे क्या करेंगे। बाहर से भी ट्रेन बहुत खूबसूरत लग रही है, नो डाउट। फटाफट खाना जितना हुआ निपटाए क्योंकि भाई सोचा यहीं उतर जाते हैं वापस भी कर जाना। भाई इसका पुश पुल वाला लोकोमोटिव डिजाइन तो अच्छा बनाया हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिक है। हाँ जी गाइस तो आ चुका है भाई वडोदरा। ओके गाइस तो बहुत अच्छी बहुत मजेदार किस्म की जो है वो ट्रेन की ना सिर्फ जर्नी थी इनकी बल्कि इनका खाना भी बहुत अच्छा था, और ये जो भाई हैं बहुत अच्छे से जो है वो वीडियोस बनाते हैं सारी, मतलब ट्रेन ट्रैवल इनकी सारी इसी के ऊपर बेस होती है ना, ट्रैवल वीडियोस होती हैं, ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं ट्रेन्स के अंदर, खाने का रिव्यू सारी चीजें करते हैं। तो आज की जो हेरिटेज ट्रेन थी यार बहुत अच्छी, मुझे वो सेल्फी पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, और वो डाइनिंग एरिया भी बहुत अच्छा था, सीट इतने मजे से यार रिक्लाइन होती है ऐसे आराम से बंदा यार चिल कर सकता है, और बहुत अच्छी ओवरऑल देखा जाए तो। मैं एक चीज मिस कर रही थी यार पाकिस्तान के अंदर, वैसे ऐसी मैंने आज तक किसी ट्रेन के ऊपर सफर तो नहीं किया, बट हम भी ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, घर वालों ने एक्सपीरियंस किया तो वो भी ये चीजें बताते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसी ट्रेन नहीं है, टूटी फूटी होती है बहुत, जैसे ग्रीन लाइन जो है वो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन किस्म की ट्रेन है, उसके अंदर जो है वो मेरी सिस्टर सफर कर चुकी है, मेरे एक भाई जो है वो सफर कर चुके हैं, तो वो बताते हैं कि यार वो जितना दिखाते हैं ना ब्लॉग के अंदर ये शशके वशके भाई कुछ भी नहीं होता, बहुत ही गंद करते मचाते हैं, तो जैसे मतलब दिखाते हैं इंटरनेट के ऊपर या जब सीट करवानी होती है बड़ी इनकी सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी होती है लेकिन होती नहीं है। बट इंडिया के पास देखा जाए तो यार बाहर से भी कितने प्यारे डिजाइन वो लाइन वगैरह बनाए हुए थे ट्रेन के ऊपर, और अंदर भी देखे तो बहुत अच्छे थे। तो इंडिया भाई ट्रेन और बुलेट ट्रेन ये वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊपर ट्रांसपोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा इंडिया काम कर रहा है ना कि आप लोगों की सोच होने, हमारे से 100 साल आगे वो जा चुके हैं। तो अच्छी वीडियो थी, कमाल की वीडियो थी, आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी, डू कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।